मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्राइंग, इंडिया विंस अगेंस्ट पाकिस्तान, रोहित शर्मा 86 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023। जी, रोहित शर्मा ने 86 रन किए, फिर भी वो नाखुश थे क्योंकि आफ्रिदी ने उसकी विकेट ली थी, बट उसमें भी विराट कोहली सॉरी रोहित शर्मा ना गलती कर गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बॉल डाली थी ना वो स्लो बॉल डाली थी, मतलब उसकी इतनी स्पीड नहीं थी बॉल की, और उसने गलती से बैट को ऐसे घुमा दिया, मतलब एक हाथ से ऐसे घुमाया तो बैट में, मतलब आधे बैट में वो बॉल चली गई थी। इस वजह से केस हो गया, मतलब प्लेयर के हाथ में चला गया। कोई दिक्कत नहीं, 86 रन भी बहुत ही बड़ा रन, बहुत ही बड़ा स्कोर था, बहुत ही अच्छा स्कोर था, और एक जो कप्तान को जो पारी खेलनी चाहिए वो पारी आपने खेल के दिखाई, और आपने फिर से साबित कर दिया कि रोहित शर्मा अभी भी है टीम में, हिटमैन जो है वो है टीम में। क्योंकि देखो, पूरी मैच में पाकिस्तान तो एक भी सिक्स नहीं मार सका, लेकिन रोहित शर्मा ने सिक्स पे सिक्स मार के जो रन किए वो सबसे बढ़िया थे। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते वीडियो देखने जब पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बनाया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तानी बैटिंग की बैटरी डाउन हो गई है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम 191 रन पर ढेर हो गई है। बहुत आसान लग रही है उनके लिए बैटिंग, और शुभमन गिल डेंगू से वापस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कोई ताकत के इंजेक्शन लगा के आए। बट दिस टेल्स यू कि पिच कितना अच्छा है स्ट्रोक मेकिंग के लिए। यस, और आप देखें कि वो जो आपने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि 192 है, तो वो अपनी रन रेट को भी बेटर करने के हिसाब से खेल रहे हैं। वो अगर वो 25 ओवरों में 30 ओवरों में चेज करते तो आप सोचे कि उनकी जो रन रेट है वो कहां जाएगी। जिसके बाद भारत को फतह के लिए सिर्फ 192 रन दरकार हैं। 162 के मजमुई स्कोर पर बाबर आजम के आउट होने के बाद लाइन लग गई। पाकिस्तान की आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 29 रन के फर्क से गिरी। बाबर आजम 50, रिजवान 49, इमामुल हक 36 और अब्दुल्ला शफीक 20 रन बनाकर आउट हुए। घंटा बजा दिया इंडिया ने हमारा, आज घंटा बजा दिया उन्होंने। जो मैं एक हफ्ते से बकवास कर रहा हूँ, इस टीम में वो लेवल नहीं है कि ये इंडिया से कंपीट कर सके, जिसको अपू बनाया हुआ है आपने। ये घंटे का किंग है, ये सेल्फिश 3 इनिंग्स खेल के टीम पे प्रेशर दिलवा के खुद भाईजान दबा हो गए हैं। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया इन्होंने। आप क्या बोलेंगे, आप बड़े खुश थे जब विकेट गिरी थी। ओ भाई, मारो मुझे मारो, मतलब कि पहले एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी कितनी विकेट जाएंगी। बाबर रिजवान सही चल रहे थे, बैक टू बैक विकेट आई है भाई साहब, जो मैच का रंग रूप बदला है, आए हाय हाय हाय, मजा आ गया, मतलब कि मैच देखने में मजा आ गया। देखिए, 150 से पाकिस्तान के सिर्फ दो खिलाड़ी आउट थे, उसके बाद जो कम बैक किया हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की, बुमराह ने बॉलिंग की, प्रदीप यादव ने, जो बुमराह के इन स्विंग थे भाई, इन स्विंग थे उसके, बैक टू बैक इन स्विंग, बैक टू बैक इन स्विंग, जो उसने मैच लाया यार। जडेजा ने जो रन नहीं दिए, मतलब की उसने जो मतलब की विकेट नहीं ली इतनी और उसने रन नहीं दिए इतने, बहुत सही खेला है भाई, मतलब की मजा आ गया यार। बिल्कुल, जो यहाँ पे शाकिंग है वो काफी खुश है। शाकिंग कुछ और भी याद, मुझे इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी रही बॉलिंग? तो बहुत बॉलिंग तो बहुत अच्छी रही, बस मैच तो बढ़ गया। पाकिस्तान जी, अब हम पाकिस्तान से भाई दो शोर से मैच देख रहे हैं। आपको नहीं मतलब एतमाद के हमारी बॉलिंग अच्छी हो सकती है? हमारी बॉलिंग इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, बाकी मैच तो बढ़ गया, बस यही कहना चाहेंगे। आप क्या बोलेंगे? मैं कुछ नहीं, मेरे जुबान ही नहीं रही, कुछ तो बोल रहे हैं। इंशाल्लाह कमबैक करेंगे, देखें अब मैच नहीं, आपको अपने शाहीन से बिल्कुल 100% मिला, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कुछ तो बोलो यार, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, यही बोल सकते हैं और कुछ भी नहीं। दे सकते हैं कि जहाँ पे जो हालात है पाकिस्तानी फैंस के, ये एक लड़का मौजूद है जो कि बड़ा उदास लग रहा है। क्यों उदास हो? खैर, कम बैक करेंगे यार। देखो, पहली बात हमारे साथ न्याय हुआ है, ठीक है, हमारा भी 13वां प्लेयर है चाहत भाई, पैट वेट फैन के बैठे हुए दो आउट थे, 150 थे, ठीक है, आप काफी खुश थे, हाँ, उसके बाद हालात बदले, जज्बात बदले, जीत रहे ना, अभी भी जीत रहे हैं। ये लड़का जब 150 से दो आउट थे, किसी विकेट गिरी तो आके बैल बैठ गया, 10 विकेट लेके बैल बैठा था। चार बैग इंतजार कर रहा ना आ रहे। भाई जान, बाबर आजम ने आज सेल्फिश इनिंग खेली है, खत्म हो गया खेल, इंडिया ने भड़का दिया आपकी बैटिंग लाइन, आपको फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास,
का घंटा बजा दिया इंडिया ने आज। घंटा बज गया आपका, घंटा बज गया आपका भाईजान। बाबर आजम ने ना जिस तरह सेल्फिश इनिंग खेली है ना, और रिजवान ने उसके बाद टीम के ऊपर प्रेशर बनाया। बाबर आजम का 18 बालों पे 24 रन था और बाबर ने अपनी 50 कंप्लीट की या 56 बालों पे। भाई कुलदीप यादव कोई आज भी नहीं खेल सका, पर घंटा बजा दिया इंडिया ने हमारा, शर्म कर लो। बॉलिंग बहुत अच्छी थी, विकेट फटाफट फटाफट गिरे। हमें लगा था पाकिस्तान 200 मार लेगी, गेम इंटरेस्टिंग होगा, गेम बड़ा सिंपल चल रहा है। मुझे पता है इंडिया 20-25 ओवर में गेम खत्म हो जाना चाहिए जितना भी है, पर बॉलिंग अच्छी थी। मतलब ये नहीं कि एक ही बॉलर अच्छा है, सबने अच्छी बॉलिंग करी है, सबने मतलब मीडियम ओवर लिया या सबने दो दो विकेट अपनी अपनी लिया है, तो वेरी गुड। बुमराह इज ब्रिलियंट। बाकी ओवरऑल बॉलिंग अच्छी थी इंडिया की। अच्छा आप बताए कि 150 पे, अब 150 पे पाकिस्तान के दो आउट थे, उसके बाद एकदम लाइन लग गई 190 पे। लेकिन एक दो विकेट से ज्यादा रन की है, यही होता है, हर 10 रन के बाद एक विकेट गिर जाती है, जो इनको इम्प्रूव करना चाहिए। क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टार्ट आपको मिल गया है, रोहित शर्मा ने टॉस जीत के आपको बल्लेबाजी करने के लिए दी, पाटा विकेट है, सब कुछ आपके फेवर में था, आपको बढ़िया क्रिकेट खेलनी थी यहाँ पे। बहुत डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान की टीम ने। आप इफ्तिकार को देखिए, आपको आपको आते ही स्वीप मारने की क्या जरूरत है? अगर अच्छी बॉल कर रहा है कुलदीप यादव, उसको मत मारो ना स्वीप। आप देख रहे हो वो ठीक है कि हादसा लग के गई थी, इतनी बड़ी टर्न नहीं थी, लेकिन स्वीप मार तो वो जो इन्फॉर्मनेस होती है ना, इन्फॉर्मनेस, वो इन्फॉर्मनेस भी नहीं है बल्लेबाजों में, टेक्निक तो बाद की बात है। बहुत डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान। ये इन्होंने तो भाई बैटिंग पिच को बॉलिंग की किया, किलियां उड़ी हैं। वो पहले बाबर की क्या किली उड़ी है, वो रिजवान को कैसे बुमराह, शादाब ने क्या किया, ये देखो ना शादाब भी क्या करके गया, मतलब के कैसी किलियां इनकी उड़ रही है। मैं कौन 300 लगे हुए थे, 200 हो जाए बड़ी बात होगी। भाई ये बैटिंग पिच थी, हाईवे पिच थी, जिसपे इन्होंने इस तरह आउट हुए, यानी बाबर आउट होता है, रिजवान आउट होता है, ये तो इनकी लाइन ही लग जाती है। नहीं रिजवान भाई ये कर तो कर क्या रहे हैं, वो इतना इस वक्त गुस्से में बैठे हुए हैं ना, वो कह रहे कि मुझे मत लाओ, मैं बुरी दादा जिसको कहते हैं ना गालियां शालियां निकाल दूंगा, मुझे बस सामने लेकर आओ। लेकिन ये इनसे 200 भी नहीं होना, ये शादाब को देगी, ऑलराउंडर है ये शादाब, तो ऑलराउंडर है, कैसे किलियां, शादाब को छोड़ो रिजवान की किलियां उड़ गई, मतलब के एकदम से की किलियां उड़ी है। ये चार खिलाड़ी इफ्तिकार है, वो बाहर के बॉल पे आउट हो गया। देखो 30 बोलो, 30 से 35 बॉल्स के अंदर आपके 5 आउट हुए हैं, ये आपका कैलिवर है यार। नहीं मतलब के अब्दुल्ला यार कितना अच्छा खेल रहे, तो बाबर आउट हुआ था, हम हारे थोड़ी थे वहां से मैच, सिंपल सा सिनेरियो था, रन अप बॉल भी लेके चलते हो, साउथ शकील फजूल का LBW हुआ, कुलदीप ने एक ओवर में 2 विकेट ले ली वहां पे, उसके बाद बाहर की तो फजूल विकेट थी बिल्कुल। और बाबर आजम के बाद जिस तरह से लाइन लगी है ये टीम, ये तो टीम डिजर्व ही नहीं करती वर्ल्ड कप खेलना, मतलब कि यार इतनी एम्बैरेसिंग, इतनी शेमफुल परफॉर्मेंस है कि इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, अच्छा खासा सेट है, सब कुछ सेट खड़ा हो, और कैसे लाइन लगी है, ये टीम है तो है क्या। और आप देखें अभी ये बॉलिंग पिच आपको लग रही है ना कि बॉलिंग पिच बन गई है, आपको इंडिया बताएगा कि कैसी बैटिंग पिच है। इंडिया ने ये अगर बड़ी मुश्किल हालत है, मुझे लगता है पाकिस्तान यहाँ पे 200 भी नहीं करेगा, और इंडिया ने वो 30 ओवरों में आपके चेस करके देखा आपको 30 ओवर, जैसे 30 की लाइन पलटी है हमारे साथ, हुआ तो हुआ क्या है कि समझ से बाहर है। क्या बोलूंगा मैं इनको, क्या किधर गई आपकी क्लास, किधर गई ODI की नंबर 1 टीम, किधर गया सारा कुछ, अंदर बढ़ गया, खुशी मिल गई है, पता चल गया क्रिकेट में अबू कौन है, पता चल गया इंडिया से मुकाबला नहीं है, पता चल गया कि 7-0 को 7-1 नहीं करना, 7-8-0 है आज। किधर गई वो बाबर आजम की बातें, कहती हम इंडिया को हराएंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ये करेंगे, घंटा बजा दिया इंडिया ने। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और लिटरली लोग रोते मतलब वो तो रोने ही लगा था बाबर आजम की जब विकेट गई तब, और सब लोग कहते हैं कि हाँ ये लोग सेल्फिश है, ये भी कोई दूर आए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर कब मेरे को टीम बॉन्डिंग जो होना चाहिए वो नहीं कहीं पे भी दिख रहा है, क्योंकि लास्ट समय जब एशिया कप था तब झगड़ा हुआ था,
ठीक है अभी जो हिसाब से बाबर ने हाँ हालांकि जब वो स्टार्टिंग में खेले थे 18 बॉल में करीबन उन्हें 24 या 26 रन करीबन किए थे तो लग रहा था कि इस बार बाबर अच्छे से खेलेगा 100 तक जाएगा तो पाकिस्तान का स्कोर 300 तक पहुंच सकता है ये सब लोग बोल रहे थे लेकिन बाबर ने सेल्फिश बन के उसका जो 50 रन करने थे वो कर लिए और निकल लिए ठीक है यही यही होता है टीम में जब जो हारते हैं ना लोग तभी उसमें जो कमी होती है ना वो देखी जाती है उसमें से कुछ सीख मिलती है और इस बार हमें भी लगा था कि जैसे श्रीलंका के सामने इन लोगों ने 350 रन के प्लस स्कोर बनाया था तो लगा था कि अब ये टीम जो है थोड़ी फॉर्म में आ चुकी है अब वो मतलब खेलते लिए उसमें दिख रही है ये स्कोर बनाएगी क्योंकि अहमदाबाद वाला जो स्टेडियम है ना वो स्कोर के लिए माना जाता है वहां पे बड़े बड़े स्कोर बनते हैं तो और सबसे अच्छी बात की भारत ने तो सब कुछ आपको दे दिया आपको इतना अच्छा अहमदाबाद ने वेलकम दिया इतना अच्छा खाना खिलाया फिर भी उसके बाद टॉस हुआ था रोहित शर्मा ने आपको पहले बैटिंग दी इतने सारे मौके आपको दिए सब कुछ गवा दिया सर एडवांटेज दिए फिर भी आ गए और बाबर गए उसके बाद तो लाइन लग गई कोई वो कुछ मतलब कोई खेला ही नहीं कोई नहीं खेल पाया पता चल गया था सबको कि बाबर सेल्फिश बन के उसका स्कोर कर लिया तो भाई हम क्यों करें तो ये सब कुछ बना और कुछ नहीं तो पाकिस्तान तो फिर चलेगा नहीं ऐसा ये सब इसकी टीम में अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा तो दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में आप जरूर हमें कमेंट में लिखकर बताएगा और आप वहां पर लाइव क्रिकेट देखने गए थे या नहीं वो भी हमें कमेंट में लिखकर बताएगा इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ टिल देन जय हिंद जय भारत।